चलो ठीक, स्टार्ट करते हैं। ये असाइनमेंट, ये क्वेश्चन डिस्कस करना था, लास्ट टाइम छोड़ दिया था। तो जो लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं वो A120 का प्रिंट आउट लें प्लीज़। A120। सो ब्लॉक ऑफ मास M हैज़ अ सर्कुलर कट विद अ फ्रिक्शनलेस सरफेस एज शोन। द ब्लॉक रेस्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ अ फिक्स टेबल एंड इनिशियली एज ऑफ द ब्लॉक इज एट x इज इक्वल टू 0। तो ये एक फिगर गिवन है। ऐसा क्वेश्चन हमने असाइनमेंट में किया हुआ है। स्पेशली हमने ऐसा क्वेश्चन इस फॉर्म में किया था कि अगर सपोज करो ये एक प्रिज्म है, इंक्लाइन प्लेन है, आपको याद सेंटर ऑफ मास की असाइनमेंट थी, ये ब्लॉक नीचे आता है तो ये प्रिज्म या जो भी है बॉडी थोड़ी सी पीछे जाती है और सेंटर ऑफ मास का एक्स एक्सिस चेंज नहीं होता, याद है? इट फॉलोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ऐसी प्रॉब्लम है तो इसने बस इंक्लाइन प्लेन की बजाय थोड़ा सा कर्व कर दिया। कोई बात नहीं, प्रिंसिपल तो वही रहेगा जो हम नॉर्मल करते हैं। तो इसके अंदर बेसिकली क्या होगा कि वो कह रहा है कि इस टाइप का अरेंजमेंट है। इनिशियली एक्स इज इक्वल टू 0 पे आई है वेच, तो एक्स इक्वल टू 0 पॉइंटेड है, वहां पे आप चेक कर सकते हो इसमें। एंड पॉइंट मास स्मॉल m इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट एट द टॉप, इट स्लाइड्स डाउन। व्हेन द मास लूजेस कॉन्टैक्ट विद द ब्लॉक, इट्स पोजिशन एक्स एंड वेलोसिटी वी इज इक्वल टू वॉट। तो कह रहे क्या हो रहा है कि ये पॉइंट मास आ रहा है, ये पॉइंट मास यहाँ से यहाँ आता है तो ये वेज पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाता है, एक पॉइंट आगे आएगा तो ये पीछे जाएगा। तो आपको ये बताना है कितना पीछे गया और कितनी वेलोसिटी से गया। तो सबसे पहले एक्सटर्नल फोर्स इज 0, तो वी कैन अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, या सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट विल रिमेन एट रेस्ट। तो इसको हम कैसे करते थे, M1V1 इज इक्वल टू M2V2 कर लेते थे, या फिर M1X1 प्लस M2X2 अपॉन M1 प्लस M2, और सेंटर ऑफ मास की पोजीशन इज 0। तो शॉर्टकट लगाएंगे, या एक और शॉर्टकट करवाया था M1D1 इज M2D2 वाला। तो सेम है कि अगर मान लो ये वाला जो पार्टिकल है, ये वाला पार्टिकल इधर आ जाता है तो वो एक्स एक्सिस में कितना डिस्टेंस कवर करता है, कैपिटल आर, तो एम के साथ कैपिटल आर आएगा। तो टोटल पूरा सिस्टम पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाता है, और पूरे सिस्टम में कौन आएगा, दोनों मासेज आएंगे और साथ में एक्स पोजीशन आ जाएगी। तो यहाँ से सॉल्व करके क्या आ गया, एक्स की पोजीशन आ गई, एक तो आंसर आ गया, तो एक्स इतना शिफ्ट हो जाएगा, दैट्स इट। तो एक पार्ट तो कम से कम सॉल्व हो ही सकता है इस क्वेश्चन में, पार्शियल चेकिंग है तो एक पार्ट तो ठीक होगा। फिर दूसरा M1V1 M2V2 भी लग सकता है इसके अंदर, तो M1V1 M2V2 के अंदर कि मान लो ये पूरा वेज है और ये V1 वेलोसिटी से जा रहा है, और या ये सॉरी पॉइंट मास है, जब ये कॉन्टैक्ट लूज करता है या कॉर्नर पे आता है, इसकी वेलोसिटी V1 है तो इसकी वेलोसिटी V2 है, तो M1V1 M2V2 लगेगा इसमें। और लास्ट जो कॉन्सेप्ट इसमें लगता है एनर्जी कंजर्वेशन का, क्योंकि ये पॉइंट मास नीचे आ रहा है और कितना डिस्टेंस नीचे आया, बाय डिस्टेंस ऑफ आर, यहाँ से आने में आर, पोटेंशियल का चेंज कितना हुआ MgR, और जिससे क्या हुआ, दोनों ब्लॉक ये वेज और पॉइंट मास दोनों की काइनेटिक एनर्जी गेन हो गई। तो हाफ एम छोटा एम V1 स्क्वायर और हाफ बड़ा एम V2 स्क्वायर। तो यहाँ से आप क्या करोगे, V2 की वैल्यू को यहाँ से उठा के यहाँ पुट करेंगे, V1 कैन बी कैलकुलेटेड। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, तो यहाँ से V1 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन तो नहीं कहेंगे, ये भी नॉर्मल ठीक ही बात रहा। रिजिड यूनिफॉर्म बार AB ऑफ लेंथ L इज स्लिपिंग फ्रॉम इट्स वर्टिकल प्लेन। तो आप चेक कर सकते हो कि एक रॉड है, रॉड की लेंथ L है और वो स्लिप करती हुई इधर आ रही है, स्लिप कर रही है, एंड फ्रिक्शनलेस फ्लोर है, फ्रिक्शन बिल्कुल भी नहीं है। एट सम इंस्टेंट ऑफ टाइम द एंगल मेड बाय द बार विद द वर्टिकल इज थीटा, गिवन है क्वेश्चन में, कौन सी ऑप्शन करेक्ट है, ट्रेजेक्ट्री बताओ सेंटर ऑफ मास की क्या होगी, या ए पॉइंट की क्या होगी, ए पॉइंट है कॉर्नर का, ए पॉइंट ट्रेजेक्ट्री क्या फॉलो करेगा, सर्कल करेगा, क्या करेगा, इंस्टेंटेनियस टॉर्क क्या होगा जब एंगल थीटा है इसमें, किसके प्रोपोर्शनल होगा, मिड पॉइंट ऑफ बार विल फॉल वर्टिकली डाउनवर्ड या ना, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है, काफ़ी मल्टीपल चॉइस है इसमें। तो सबसे पहले इसकी अगर इस फिगर को अगर ध्यान से देखें, तो इस फिगर के अंदर पहले रॉड कैसी थी, पहले रॉड जो है वो सीधी थी, और मान लो ये मेरा ओरिजिन है, ये मेरा ओरिजिन है, और रॉड का की लेंथ क्योंकि एल है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0, L। रॉड नीचे गिर रही है और किसी इंस्टेंट पर उसने एंगल कितना बना लिया है, थीटा। तो अगर ये थीटा एंगल आ गया तो किसी इंस्टेंट पर ये कोऑर्डिनेट क्या बन गया, x, y। ठीक, ज्योमेट्री क्लियर है, ये बस बेंड हुआ था उसका कोऑर्डिनेट चेंज हो गया, स्लिप हो रही है, और बाकी ज्योमेट्री में ये पहले हाइट सेंटर ऑफ मास की मान लो कहाँ पर थी,
सॉरी पहले लेंथ क्या थी, एल बाई टू होती होगी जब सीधा रॉड सीधी खड़ी होती है, एल बाई टू है। इस टाइम कितनी है, इस टाइम इतनी है, और ये कितनी है, ये सेंट्रोमा से ये वाला डिस्टेंस एल बाई टू है, और क्योंकि ये थीटा है तो ये भी थीटा है, तो ये डिस्टेंस क्या जाएगा, एल बाई टू कॉस थीटा। तो अगर ये एल बाई टू कॉस थीटा है तो ये जो हाइट आएगी, मतलब पुराना सेंट्रोमास यहाँ पर था एल बाई टू पर, ये रहा, ये कितना डिक्रीज हो गया, एल बाई टू माइनस एल बाई टू कॉस थीटा, क्योंकि जब भी रॉड नीचे गिरती है घूमती हुई तो एनर्जी कंजर्वेशन को तो लगना ही है, और पोटेंशियल एनर्जी का जो डिक्रीज होता है वो काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल में इंक्रीज में तो कन्वर्ट हो ही जाते हैं। तो इस केस में ये ज्योमेट्री है, और इसमें ये कोऑर्डिनेट पता लग रहा है कि वाई कोऑर्डिनेट अगर आपको निकालना है, ये वाई कोऑर्डिनेट है, ये टोटल डिस्टेंस कितना है एल है, और ये थीटा, अगर ये थीटा है तो ये थीटा है, और मैंने शायद गलत बनाया, ये नहीं, ये थीटा नहीं होगा, ये 90 माइनस थीटा होगा, इसको प्लीज क्रॉस कर लो ना, यहाँ पे गलत बन गया, ठीक कोई बात नहीं, देखते हैं 90 माइनस थीटा आएगा यहाँ पे, राइट। तो लगाया मैंने सही है वैसे, नहीं मैंने y को क्या लिख दिया, अच्छा मैंने पूरा ट्राइंगल, ओके मैंने, मेरे को ये लिखना चाहिए था फिर इसमें जो y, ये हाइट y ऑब्वियसली, तो अगर ये y है, ये l है, तो मैंने यहाँ बना दिया ट्राइंगल, मैंने एक्चुअली, मैं ना देख रहा था कि y यहाँ से निकलेगा, जहाँ से मर्जी निकाल लो, वैसे तो मैंने ऊपर से बना दिया, ये 90 माइनस थीटा था ना, तो साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज y डिवाइडेड बाई l, तो y इज इक्वल टू l इंटू साइन 90 माइनस थीटा, सही है, बस ये काट लो, इसकी जरूरत नहीं है, बाकी ओके है, ठीक है यहाँ तक, बाकी ठीक है इसमें, तो y कोऑर्डिनेट आ गया। अब एज देर इज नो फोर्स एक्टिंग अलोंग x एक्सिस, रॉड अपने आप नीचे गिर रही है, फ्रिक्शन नहीं है, हमने जाके उसको x में कोई फोर्स नहीं लगाई, ग्रेविटी के अंडर गिर रही है, तो सेंटर ऑफ मास जो है वो मिड पॉइंट जो है सेंटर ऑफ मास वो वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल करेगा, तो एक ऑप्शन करेक्ट है। तो इसने यही पूछा हुआ एक ऑप्शन में कि सेंटर ऑफ मास कैसे फॉल करेगा, एक्स एक्सिस में नहीं जाएगा, वाई में ही जाएगा, पॉइंट नंबर वन एक आंसर। दूसरा, डिस्प्लेसमेंट मिड पॉइंट की क्या होगी, एल बाई टू माइनस एल बाई टू कॉस थीटा, क्योंकि वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहा है, तो वाई एक्सिस के लॉन्ग पहले मिड पॉइंट कहाँ पर था, एल बाई टू पे, अब कहाँ पर, एल बाई टू कॉस थीटा, तो माइनस करेंगे एल बाई टू माइनस एल बाई टू कॉस थीटा, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, चेक करो ऑप्शन नंबर डी भी यही है कुछ ऐसा, ठीक हो गया। उसके बाद वो क्या कह रहा है, टॉर्क, इंस्टेंटेनियस टॉर्क निकालो जब ये इस पोजीशन पे है, तो टॉर्क इसमें जनरेट कौन करेगा, इसका वेट एम जी, ये रहा एम जी, ये इस पी पॉइंट को फिक्स मानते हुए एम जी इंटू कितना, एल बाई टू साइन थीटा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस किया, तो यहाँ से जो टॉर्क है वो इसके इक्वल आ गया, तो टॉर्क जो इंस्टेंटेनियस आया वो साइन थीटा के प्रोपोर्शनल है, तो एक और ऑप्शन आ गया बी ऑप्शन, साइन थीटा के प्रोपोर्शनल है, ठीक। और नेक्स्ट है इसमें आपको ये बताना है कि जो ए पॉइंट है इसकी ट्रेजेक्ट्री क्या बनेगी नीचे गिरते हुए, इधर या इधर ट्रेजेक्ट्री क्या है, तो ट्रेजेक्ट्री के लिए काम करेंगे, ट्रेजेक्ट्री तो आप मैथ्स में करते ही हैं, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट को देखते हुए बता सकते हैं कि ट्रेजेक्ट्री क्या बनेगी, एक्स और वाई का जब तक रिलेशन नहीं पता लगेगा, सर्कल है स्ट्रेट लाइन है नहीं बता पाओगे, तो एक्स और वाई के लिए कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे, तो कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं, तो एक्स की वैल्यू इज इक्वल टू एल बाई टू साइन थीटा, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक्स है, ये एक्स है, तो आप ये ट्राइंगल यूज कर सकते हैं एक्स के लिए, ये एक्स है और ये क्या है थीटा है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई एल बाई टू, तो एक्स इज इक्वल टू एल बाई टू साइन थीटा, और ऐसी वाई तो मैंने बताई दी आपको कैसे आएगा, तो y को साइन ऑफ 90 माइनस थीटा को क्या पुट कर सकते हैं यहाँ पर कॉस थीटा, x आ गया y आ गया, यहाँ से साइन थीटा निकाल लें, यहाँ से कॉस थीटा निकाल लें, x और y कोऑर्डिनेट से स्क्वेयरिंग एडिंग कर दें, वो क्यों, क्योंकि स्क्वेयरिंग एडिंग करेंगे तो साइन स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर ऑटोमेटिकली 1 बजेगा, तो x और y में सीधा रिलेशन आ जाएगा, स्क्वेयरिंग एडिंग करेंगे तो आपके पास ये टर्म आ जाएगी, और ये इक्वेशन मैथ्स में किसकी बनेगी, एलिप्स की, तो एलिप्स ऑप्शन मार्क होगा जो कि इसमें नहीं मिलेगा, ठीक। पार्ट बाय पार्ट देखा जाए तो बहुत मुश्किल नहीं है, रॉड के गिरने की प्रॉब्लम्स एक नहीं है, बुक्स में बहुत गिवन है, मैं और लिख के लाया हूँ, तो मैंने पहले भी देखा है रॉड के गिरने वाली प्रॉब्लम, शायद लास्ट टाइम लास्ट पेपर में आई हुई थी, कुछ ऐसा किया था लास्ट टाइम किया था मुझे लगता है ऐसा कुछ, तो आप नोट कर रहे होंगे कि मतलब क्वेश्चन का स्टाइल क्या है उनका डालने का, वो भी अगर आप बहुत ध्यान से पेपर्स को पुराने पेपर्स को सॉल्व करें तो आपको दिखता है कि वो जैसे एनसीईआरटी में दिख जाता है, एनसीईआरटी में जल्दी दिखता है कि क्या आता है, मेंस में थोड़ा सा एक साल के बाद दिखता है क्या आता है, एडवांस में मेंस की मास्टरी के बाद दिखना, और पेपर जब अंदर घुसोगे तो दिखना स्टार्ट हो जाएगा कि कैसे कैसे वो चीज़ों को उठा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से लोग प्रिपेयर करते हैं, तो थॉरो सिलेबस ही वैसे माना गया है कि अच्छे से कोर्स करोगे तो सिलेक्शन होने का चांस तो है ही है। तो ये आपके पास
जो है आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी को देखते हुए मैं लिख के लाया हूँ एक और, आज की शीट है ये, जो लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं वो A121 का प्रिंट आउट लेंगे, A121 आज भी रोटेशनली होगा, ख़त्म नहीं हुआ, ख़त्म ही नहीं हो रहा, चलने दो, जितना चलने चलने दो, इसकी कोई लिमिट नहीं है वैसे बता रहा हूँ मैं, मुझे बंद करना पड़ेगा, किसी को और कंटेंट चाहिए तो मेरी बुक फोटोकॉपी करवा ले, मेरे पास बुक है एक, मैं ख़त्म नहीं कर पाऊँगा, बहुत हैं, जितनी क्लासेस रोटेशनल की अभी तक हुई हैं मैं उतनी भी लगा दूंगा ना तभी ख़त्म नहीं होगा, अब इससे ऊपर तो कुछ नहीं है। पर मैं आपको एक प्रिसाइज सिलेबस दे सकता हूँ कि इंटीजर टाइप का पेज है, या मैं आपको कुछ नोट्स ना फोटोकॉपी करके दे दूंगा अपने बुक, अब बुक्स कहाँ से लोगे इतने, तो 2-3 बुक्स में से फोटोकॉपी करके दे दूंगा, तो आप प्लीज़ अपनी प्रैक्टिस के लिए आप उसको रख सकते हो, ठीक है। तो आज मैंने सोचा था मैं रोटेशनल के साथ SHM करके लाऊंगा, बट मेरा खुद का मन ही नहीं, मैं बस मज़ा आता जा रहा था, मैं लिखता गया मैं और डाल लूँ, और फिर मेरा 9:45 हो गए, फिर मैंने छोड़ दिया वहीं पे, अगर मेरे पास 1 घंटा और होता बिलीव मैं 10-15 शीटें और लिख देता, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं नेक्स्ट टाइम। सो यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ L एंड मास M इज़ हेल्ड वर्टिकली ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये रहा, एट टाइम T इज इक्वल टू 0 इट इज़ स्लाइटली डिस्टर्ब्ड सो दैट इट स्टार्ट स्लिपिंग ऑन अ स्मूथ सर्फेस, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है, देखो बुक्स के अंदर गिवन है ऐसे क्वेश्चन, थोड़ा सा बस मॉडिफाई करके देते हैं। एंड फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एंड वेलोसिटी वी नॉट ऑफ सेंटर ऑफ मास व्हेन रॉड मेक्स एन एंगल ऑफ थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल के साथ इसका वी नॉट क्या होगा और ओमेगा क्या होगा। देखो इस क्वेश्चन को करने के बहुत स्टाइल है, अभी अभी हमने देखा कि वो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है, तो एनर्जी कंजर्वेशन तो इसमें लगना ही लगना है। तो इसके अंदर मैंने क्या किया कि सपोज करो रॉड गिर रही है और किसी एंगल पर थीटा एंगल है, तो इसका जो एक्सिस निकलेगा यहाँ से ये वेलोसिटी वी नॉट है, तो इसके परपेंडिकुलर ये पॉइंट आएगा, ये लाइन आ रही है, और ये अगर यहाँ स्लिप होने की कोशिश कर रहा है तो इसके परपेंडिकुलर ये, तो एक तरीके से ये इसका इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन बन जाता है। तो जब इंस्टेंटेनियस एक्सिस रोटेशन आता है ना, तो अब हमें काइनेटिक एनर्जी स्पेशली 1/2 mv² लेने की जरूरत नहीं पड़ती, हम सिंपली IOR को मान के 1/2 ω² लगाएंगे, सीधा आंसर आ जाता है हमारे पास, कुछ भी लगा लो, 1/2 mv² लगा लो या 1/2 ω². तो किसी भी इंस्टेंट पे ये लेंथ L/2 है, तो ये थीटा है, तो आप देख सकते हो यहाँ से ये भी थीटा है, तो ये ज्योमेट्री से क्या जाएगा L/2 cos θ और ये क्या जाएगा L/2 sin θ, ठीक हो गया, थीटा बना लेना वाला एंगल, ये वाला एंगल थीटा बना लेना, ठीक। तो अब इस केस में O इज द इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, इफ यू अप्लाई एनर्जी कंजर्वेशन तो हमें मालूम है कि इसके अबाउट जो जो पोटेंशियल एनर्जी थी पहले वो क्या थी, mg × L/2 थी, और अब कितनी है, mg × L/2 sin θ माइनस कर दें, क्योंकि अब की पोजीशन सेंटर ऑफ मास की पहले L/2 अब कितनी है, अब ये हाइट है, कितनी L/2 sin θ, तो देर इज डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, एंड डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई, mg × L/2 - mg × L/2 sin θ, तो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी विल गिव रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में 1/2 I₀ω² I₀ O axis के अबाउट अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो जो सेंटर ऑफ मास का होगा वो तो होगा ही होगा, प्लस मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, तो यहाँ से मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर लगाओगे तो ये सेंटर ऑफ मास की बजाय IO के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, तो आप उठा के यहाँ पर पुट कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो ओमेगा आ जाएगा, ओमेगा आ गया। अब आप ऐसे भी कर सकते हैं, V₀ is equal to R की जगह हम क्या पुट करें, क्योंकि अब हमारा एक्सिस क्या चल रहा है, ओ चल रहा है, तो अगर एक्सिस मेरा ओ चल रहा है तो रेडियस क्या होगा इसका घूमने का, L/2 cos θ, तो V is equal to R into ω, तो V is equal to R ω से V₀ is equal to L/2 cos θ into ω, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो V₀ can be calculated, तो यहाँ से V₀ भी आ जाएगा, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी एंड ओमेगा कैन ऑल्सो भी कैलकुलेटेड, राइट। याद रखना IOR का पॉइंट तब लगेगा और कब नहीं लगेगा, IOR तब लग रहा है जब आपका पी पॉइंट फिक्स नहीं है, अगर आपका पी पॉइंट फिक्स होता तो आपका एक्सिस फिर IOR का नहीं होता, फिर आपका एक्सिस ए पॉइंट होता, और आप आई की जगह क्या पुट करते हैं, ml² / 3, जो कि हमने अपनी शीट्स में किया था, शीट पे हमने स्लिपिंग का कोई केस नहीं किया, वो इसलिए नहीं डाला गया था क्योंकि IOR यूज़ होता था, और वो लंबी कहानी है सबको मालूम है IOR की, तो वो एडवांस की तरफ जा रही है, इसलिए उन शीट में कहीं भी IOR का मेंशन नहीं है, ठीक, इसलिए मैंने वो स्लिपिंग का क्वेश्चन डाला ही नहीं था उसमें, ठीक है ना। तो अब कोर्स समझ रहे हो ना, नहीं तो अब खिचड़ी पक जाती है, अब तक तो अगर बीच में ये भी ऐड हो जाता ना, आप इमेजिन कर लो कि उस टाइम रोटेशनल से आपको थोड़ा थोड़ा मुश्किल लगना स्टार्ट हो जाता, मतलब उसको एब्जॉर्ब करने में टाइम लगता है, इसको एब्जॉर्ब करने में सेकेंड फेज, फिर आप खुद प्रैक्टिस करोगे थर्ड फेज,
फिर आप और प्रैक्टिस करोगे, एक साल और पड़ा है आपके पास, तो जाके आपको लगता है कि अब मुझे कुछ आ रहा है। तो इतनी जल्दी रिजल्ट्स एक्सपेक्ट किए नहीं जा सकते नॉन मेडिकल में, लंबी रेस है, इतनी जल्दी कैसे हो नहीं पाएगा। अभी तो धीरे 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 करके प्लस होते जाओगे। इवन जब प्लस वन में आए थे तब तो कुछ भी नहीं आता था, अब तो बहुत कुछ आ गया है, चाहे कोई ना भी पढ़ना चाहे उसको भी बहुत कुछ पता लग गया। तो धीरे 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 करके पता लगता जाता है, एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा। प्लस टू के अंदर बिलीव में बहुत कंफर्ट जोन में लोग चले जाते हैं, क्योंकि प्लस टू के अंदर बहुत चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, ब्रेन भी तेज़ काम करता है, और सबसे बड़ी बात एक्सपीरियंस सबसे बड़ी चीज़ होती है। आप एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं कि पता है कि गेम को कैसे खेलना है। तो फर्स्ट डे से ही लोग मतलब एंड टू एंड सब कुछ, मतलब एडवांस तक भी साथ 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 शुरू चलता जाता है। इवन हम भी जब पढ़ाते हैं तो उसमें ये नहीं होता कि अब एडवांस नहीं डालेंगे, वो तो फिर चलने दे जो चल रहा है। फिर ऐसा नहीं होता कि अलग अलग सेगमेंट रहते हैं उसमें, नहीं ऐसा होगा। 7 महीने में कोर्स कंप्लीट होना है, तो ऑब्वियसली उसमें अब ये तो है नहीं कि बाद में कहाँ से हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, बस साथ के साथ इकट्ठा होगा। ठीक, प्लस वन के अंदर नहीं, प्लस वन का और प्लस टू का चलाने का सिस्टम एकदम डायरेक्टली डिफरेंट रहता है। तो यूनिफॉर्म रॉड है। और फिर देखो मैं एक और क्वेश्चन, मतलब बुक्स के अंदर क्वेश्चन गिवन है रॉड के गिरने के, और एडवांस वाले भी पढ़ के आते हैं किताबें जिसमें रॉड गिरती है, और उनको ऑथर से भी ज़्यादा आता है, ठीक ठाक बनाते हैं यार, सभी सबसे ज़्यादा आता है, तो एरिया के एक्सपर्ट हैं। तो अगेन देखो रॉड गिर रही है फिर से, एल और एल बाई टू आप देख ही पा रही हो इसमें, और इसमें एंड मास एम है, और इसको रफ सरफेस है, इस बार स्लिप नहीं होगी, तो ये रफ है, ये रफ है। इट इज स्लाइटली डिस्टर्ब सो दैट इट स्टार्ट फॉलिंग, नीचे गिर रहे हैं। एज्यूम दैट फ्रिक्शन इज सफिशियंटली लार्ज सो दैट एंड ए ऑफ द रॉड इज इन कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड डज नॉट स्लिप। फाइंड द एंगल ऑफ रॉड मेक्स विद द वर्टिकल व्हेन एंड ए लूजेज कॉन्टैक्ट विद द, देखो कुछ देर के लिए बच सकते हो, ये थोड़ा है कि फ्रिक्शन उसको हिंज ही कर देगी पकड़ के, तो फिर कभी ना कभी वो उठ जाएगा। तो बोलो एंगल क्या होगा। देखो क्वेश्चन सही चेंज किया उसने, अब जो रटा रटाया कॉन्सेप्ट था वो चला गया, अब एनर्जी कंजर्वेशन ब्लाइंड आ गई थी, रॉड गिरती है तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो। जब भी कॉन्टैक्ट लूज होगा एक ही बात समझ में आती है, नॉर्मल रिएक्शन जीरो होगा, और जहां नॉर्मल रिएक्शन जीरो होगा ये बात समझ में आती है कि फोर्सेस से कॉन्सेप्ट लगेगा, तो एक इक्वेशन फोर्स की तो लगनी ही है, एनर्जी लग जाए वो बात अलग है। तो इसके अंदर आप देख सकते हो कि ए पॉइंट, ये ए पॉइंट है और ये रेस्ट पे है। सेंटर ऑफ मास मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस एल बाई टू, तो जस्ट उसने इमेजिन किया जो सेंटर ऑफ मास है ये रहा, और ये यहाँ पर आ गया, तो रेडियस इसका एल बाई टू है। अब इसके अंदर अगर हम फोर्सेस की बात करें तो एक नॉर्मल रिएक्शन एन लग रहा होगा शुरू में, अब ये इधर स्लिप करने की कोशिश करेगा एंड, तो फ्रिक्शन इसको बचा के रखेगी, एफ यहाँ पे लगेगा, और इसमें एम जी का एक कॉम्पोनेंट बनाया नहीं, चलो कोई बात नहीं, ये थीटा तो ये भी थीटा मान लें, प्लीज बना लें साथ साथ थीटा, थीटा के साथ ये वाला कॉम्पोनेंट एम जी कॉस थीटा, तो कॉम्पोनेंट्स बना लें प्लीज, ये एम जी तो ये थीटा हो जाएगा, तो एम जी के साथ ये वाला कॉम्पोनेंट एम जी कॉस थीटा, ठीक, एम जी कॉस थीटा। और सिमिलरली अभी रॉड थीटा एंगल पे है, नॉर्मल रिएक्शन एन है, जैसे जैसे ये मुड़ती जाएगी नॉर्मल रिएक्शन का कॉम्पोनेंट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा जो कि एन कॉस थीटा। तो रॉड जो है, ये जो रॉड है ये अगर इस तरीके से है और ये पॉइंट हिल नहीं रहा, मतलब ये पहले ऐसा था जब रॉड खड़ी है, तो ये अगर थीटा है तो ये एन है, तो ये एन इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, वेट एम जी है, और एम जी के हिसाब से ये एंगल क्या आ रहा था, ये जो एंगल है थीटा, नहीं कौन सा एंगल थीटा हुआ, हाँ ये वाला थीटा, तो ये वाला क्या आएगा एम जी कॉस थीटा, ऐसे हो गया ना। तो रॉड के अलोंग क्योंकि इसके अबाउट रोटेशन हो रही है, तो इस केस में एम जी कॉस थीटा कहाँ ऐड कर रहा है, टूवर्ड सेंटर ए, और नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट कहाँ ऐड कर रहा है, एन कॉस थीटा उस तरफ। फ्रिक्शन एफ, एफ अगर ये एफ तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये एफ इंटू कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा इस तरफ, एफ कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू वॉट, एफ साइन थीटा, तो एफ साइन थीटा इस तरफ है, मैं यही ड्रॉ कर देता हूँ, तो एफ साइन थीटा इस तरफ है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, एक फोर्स बन गई एन कॉस थीटा इस तरफ, एक बन गई एम जी इंटू कॉस थीटा इस तरफ, और एक बन गई एफ इंटू साइन थीटा इस तरफ, और ये क्या प्रोवाइड करेंगी, सेंट्रीपेटल, बिकॉज रॉड इज मूविंग इन अ सर्कल, तो कौन जीत रहा है इसमें, एम जी कॉस थीटा को जीतना पड़ेगा, बिकॉज ये इसका एक्सिस है,
नेट फोर्स टुवर्ड्स ए आनी चाहिए, तो एम जी कॉस थीटा में से दोनों फोर्सेज का इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई एल बाई टू। ये सारी गेम सेंटर ऑफ मास पे लग रही है, एल बाई टू। अब इस प्रॉब्लम के अंदर क्या है कि मुझे ना तो थीटा पता है ना मुझे इसमें वी पता है, और मुझे निकालना क्या है, मुझे एंगल निकालना है। चलो एंगल निकालना है वो तो अच्छी बात है, पर मुझे वी नहीं पता। अब मैं वी निकालूंगा, और वी निकालने का तरीका तो वही रहेगा, एनर्जी कंजर्वेशन तो लगनी ही है इन टाइप के क्वेश्चन में, वो तो बातें खत्म है। तो ये स्टेप तो आपको याद ही हो गया होगा, एम जी इंटू एल माइनस एम जी इंटू एल बाई टू कॉस थीटा। तो अब जो हाइट आएगी वो यहाँ से निकाल लेना ना ये वाली, तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, तो एम डायग्राम बना लेना। तो ये स्टेप समझ में आ रहा है, एम जी एल बाई टू माइनस एम जी एल बाई टू कॉस थीटा इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब आई की वाली क्या लिया मैंने, एम एल स्क्वायर बाई थ्री, क्योंकि देर इज नो स्लिपिंग, स्लिपिंग हो रही होती तो उस केस में फिर आई ओ आर हो जाता, नहीं होती तो एम एल स्क्वायर बाई थ्री हो गया। तब इस केस में यहाँ से क्या आ गया, ओमेगा स्क्वायर आ गया, ओमेगा घूमने का आ गया। अब ओमेगा आ गया तो वी आ सकता है, क्यों, क्योंकि वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। सेंटर ऑफ मास की बात हो रही है, सेंटर ऑफ मास कितने रेडियस में घूम रहा है, एल बाई टू, तो वी इज इक्वल टू एल बाई टू इन टू ओमेगा। इसे स्क्वेयरिंग कर देते हैं तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर बाई फोर इन टू ओमेगा स्क्वायर। और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू को ऊपर से कहाँ पुट करना है, नीचे पुट करना है। नीचे पुट किया तो क्या आया, वी स्क्वायर आ गया। इस वी स्क्वायर को इक्वेशन नंबर वन में जो पहले छोड़ दिया था वो देखो ऊपर, इस इक्वेशन को वी स्क्वायर को यहां पुट कर दें तो आपके पास ये इक्वेशन आ गई। जब कॉन्टैक्ट वी इक्वल टू आर ओमेगा होता है, सेंटर ऑफ मास कितने रेडियस में घूम रहा है, एल बाई टू, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकली है ये जब वो थीटा एंगल पे है, तो इसलिए तो नॉर्मल रिएक्शन भी जीरो हो जाएगा, एफ भी जीरो हो जाएगा अगर कॉन्टैक्ट छोड़ दिया, क्योंकि फ्रिक्शन जीरो है तो नॉर्मल रिएक्शन तो वैसे ही कॉन्टैक्ट ही छूट गया जब, तो उस केस में दोनों को जीरो पुट करेंगे तो एंगल आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये भी नया कॉन्सेप्ट है। ठीक है, यहां तक क्वेश्चन पढ़ लो प्लीज एक बार। क्वेश्चन है, प्लैंक जिसका मास m है अपर सरफेस इज रफ, तो ये रफ है, और रेस्ट ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन, नीचे हॉरिजॉन्टल स्मूथ है। सॉलिड स्फीयर है जिसका मास छोटा है m है, इज प्लेस ऑन द प्लैंक, प्लैंक इज सडनली गिवन अ वेलोसिटी ऑफ v नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स लेंथ, फाइंड टाइम आफ्टर विच द स्फीयर बिकम प्योर रोलिंग। उस स्फीयर ऑब्वियसली रोल करना शुरू कर देगा जैसे वो नीचे खिसकेगा, तो फ्रिक्शन हेल्प करेगी उसे, तो कितने टाइम के बाद ऐसा हुआ ये आपको बताना है, और म्यू आपको इस क्वेश्चन में गिवन है। तो फोर्सेस तो चलो जो बननी है वो तो बननी ही है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। प्योर रोलिंग जब भी स्टार्ट होती है, हम यहां से देखेंगे
प्लैंक जो है, प्लैंक को जब आप मूव करवा रहे हो कहना, तो स्फेयर जो है उसको रोकेगा, फ्रिक्शन उसकी रोकेगी ऑपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि जब आप एक चीज़ को खींचते हैं तो उसकी फ्रिक्शन हमेशा ऑपोजिट होती है। और ऑब्वियसली अगर अगर डायग्राम को दो मिनट देखें यहाँ से, ये रहा साथ साथ देख ही लेते हैं, तो जब आप एक प्लैंक को मूव करवा रहे हो तो इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है कोई पी एंड जो भी है, ऊपर का पी नीचे का क्यू ले लिया है, तो एक ही पॉइंट, एक मतलब एक ये जो है प्लैंक का पॉइंट है और एक स्फीयर का पॉइंट है, तो आप इसे इधर खींच रहे विद एन एक्सेलरेशन ऑफ कैपिटल ए, तो मतलब इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट है, तो ऑब्वियसली आप उसको खींच रहे हैं तो आप एक्सेलरेट करवा रहे हैं, तो फ्रिक्शन ऑपोजिट की तरफ है म्यू इन टू एन। लेकिन अगर इसमें फ्रिक्शन ऑपोजिट है तो स्फीयर को फ्रिक्शन आगे मिलेगी ताकि स्फीयर का टॉर्क पीछे लगेगा और ये पीछे रोल करना शुरू कर देगा। सही बनाया डायग्राम फ्रिक्शन का, क्लियर हो गया। तो एक फ्रिक्शन आ गया एक बॉडी को, दूसरी बॉडी को फ्रिक्शन पीछे है, ये पॉइंट है। सेंटर ऑफ मास जो है वो मूव कर रहा है इस स्फीयर का विद एन एक्सेलरेशन ऑफ ए, ए स्मॉल ए के बारे में दो मिनट बाद में बात करते हैं, और आर इसका रेडियस है। तो इसके अंदर स्फीयर बिगन्स प्योर रोलिंग जब होगा तो पी और क्यू की वेलोसिटी ऑब्वियसली सेम हो जाएगी। तो चलो इसको हम दो मिनट, इसको भी बाद में बात करते हैं, वैसे ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है दोनों का, स्लिपिंग नहीं हो रही ना, प्योर रोलिंग हो रही है। तो जो स्फीयर है प्योर रोलिंग में बॉटम मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो। जीरो का मतलब अर्थ की वेलोसिटी हो जाती है, पर इसमें अर्थ तो मूव कर रही है, अर्थ मीन्स प्लैंक तो मूव कर रहा है, और कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वी नॉट या जो भी वेलोसिटी है, तो इसलिए स्फीयर के भी आगे जाने की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वी, क्योंकि वो अल्टीमेटली ट्रांसलेशन मोशन में तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना। अगर ग्राउंड रेस्ट पे है तो रोलिंग मोशन के बॉटम मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो होती है, राइट, जीरो रखो रोल करने दो। पर अगर अर्थ ही मूव कर रही है मान लो वी नॉट के साथ, तो फिर तो वी नॉट कहना पड़ेगा आपको, तो इसलिए यहां पर क्या लिखा, वो सेम हो जाएगी कुछ देर के बाद। और पी वेलोसिटी ऑफ पी एंड वेलोसिटी ऑफ सी, क्योंकि अगर हम सिर्फ रोटेशन की बात करते हैं, क्योंकि रोटेट रोल का मतलब है रोटेशन तो है ही है ऑब्वियसली, वो तो इसलिए नेट वेलोसिटी यहाँ जीरो बोली जाती है बिकॉज रोटेशन का ट्रांसलेशन का कॉम्पोनेंट अल्टीमेटली कैंसिल हो जाता है। बट द पॉइंट इज कि इसके अंदर जो सी पॉइंट है, अगर मैं इसको एक्सिस मानता हूँ, तो रोटेशन रोटेशन में अगर देखा जाए तो इसकी वेलोसिटी रोटेशन की क्या होगी, आर ओमेगा। तो इसलिए हम बोलते हैं कि पी पॉइंट और सी पॉइंट का जो डिफरेंस होगा वो अल्टीमेटली रोटेशन के हिसाब से क्या होगा, आर ओमेगा होगा। तो इसको हम बाद में यूज़ भी करेंगे अभी, लेकिन उससे पहले दो मिनट बेसिक चीज़ समझते हैं। जो प्लैंक है वो क्या, उसको फ्रिक्शन अपोज कर रही है, आपने तो वेलोसिटी देके छोड़ दिया, कांस्टेंट फोर्स तो अप्लाई नहीं की जा रही, तो आपने तो एम में देके छोड़ दिया, ख़त्म। ये थोड़ी ना कि हमने चेन के साथ खींचना शुरू कर दिया सम फोर्स ऑफ एफ, आपने वी नॉट दिया, काम खत्म हो गया। तो मास इंटू एक्सलेशन और फ्रिक्शन रिटार्डेशन प्रोवाइड करेगा इसमें, तो म्यू इंटू एन रिटार्डेशन है, मास इंटू एक्सलेशन। तो यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन इस स्फीयर का इसके ऊपर क्या लगेगा, छोटा एम जी, तो छोटा एम जी पुट करके यहाँ से एक्सेलरेटेशन आ जाएगी। तो प्लैंक देखो बेसिकली होगा क्या, मैं आपको बता देता हूँ, प्लैंक तेज मूव कर रहा है और स्फीयर अभी रेस्ट पे है, थोड़ी देर में स्फीयर मूव करेगा। देखो ऐसा नहीं हो सकता ना कि वो भी तेज हो गया और वो भी तेज हो गया, एक को रुक थोड़ा स्लो करना पड़ेगा और दूसरे को स्लो से फास्ट करना पड़ेगा, एंड दे विल अटेन एक कॉमन पॉइंट आ जाएगा फिर उनका, कोई स्लिपिंग नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। तो जो प्लैंक है वो रिटार्ड करेगा और जो आपका स्फीयर है वो एक्सेलरेट करेगा, एंड दे विल अटेन अ सिचुएशन जब रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी प्रॉपर। तो इसलिए यहाँ पर रिटार्डेशन होगी, ये रिटार्डेशन आ गई। स्फीयर के लिए एक्सेलरेशन होगी एम इन टू ए इज इक्वल टू म्यू टाइम नॉर्मल रिएक्शन, और इस केस में एम इज इक्वल टू म्यू टाइम नॉर्मल रिएक्शन से ए की वैल्यू आ जाती है। और स्फीयर क्योंकि रोटेट भी करेगा ऑब्वियसली इसमें टॉर्क तो होगा ही होगा, तो F into R is equal to I alpha, force of friction को mu time normal reaction put करते हुए, I की जगह क्या put करेंगे 2 by 5, mr square into alpha, mu time normal reaction फिर mg into R, तो यहाँ से ना आपने alpha निकाल लिया। ऐसे question में अभी तक जब pure rolling नहीं होती और pure rolling होने वाली होती है, एक ही question लगती है, V is u plus at, center of mass के लिए और या जो भी translation motion के लिए, और rotation के लिए omega is equal to omega naught plus alpha t। तो प्रॉब्लम ये है कि हमें ए चाहिए होता है और प्रॉब्लम ये हमें अल्फा चाहिए होता है, और अल्फा निकलेगा टॉर्क से, एक्सेलरेशन रिटार्डेशन हमने निकाल ली। अगर प्लैंक प्लैंक की बात करते हैं तो मान लो टी टाइम पे रोलिंग स्टार्ट हो जाती है, तो प्लैंक के लिए अप्लाई वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट है, रिटार्डेशन हमें पता है,
तो पी पॉइंट की वेलोसिटी आ गई। सी पॉइंट की स्फेयर की जो वेलोसिटी है सेंटर ऑफ मास की, प्लीज़ सेंटर ऑफ मास के लिए पहले वो रेस्ट पे था, फिर अल्टीमेटली तो आगे चलना शुरू हो ही गया था, सेंटर ऑफ मास तो ट्रांसलेट करता हुआ आगे जाएगा ही जाएगा चाहे रोटेशन पीछे की तरफ है। तो वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इनिशियली ये भी रेस्ट पे था और इसमें एक्सलेशन जनरेट होगी, म्यूचुअल फ्रिक्शन ने करवाई थी इसमें, तो ये सेंटर ऑफ मास की बात हो रही है। अब रोटेशन की बात करते हैं, रोटेशन स्टार्ट हो गई है, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस एल्फा टी, ओमेगा नॉट तो जीरो है, एल्फा हमने निकाल लिया था, ये रहा एल्फा पुट करके ओमेगा भी आ गया। अब मेरे को पता है कि पॉइंट पी और सी के हिसाब से अगर रोटेशन की बात करते हैं तो वी इक्वल टू आर ओमेगा एप्लीकेबल है, तो दैट इज पॉइंट पी और सी का डिफरेंस आर ओमेगा देगा। या ऐसे मान लो कि इसमें सी एक्सिस है, अगर सी एक्सिस है तो ऑब्वियसली इसके अबाउट रोटेशन हो रही है, तो पॉइंट पी रोटेशन के हिसाब से माइनस सी का पॉइंट की वेलोसिटी आर ओमेगा। वी पी निकाल लिया, वी सी निकाल लिया, ओमेगा निकाल लिया, सारा कुछ यहाँ पे पुट कर दिया, जब पुट किया तो यहाँ से किसकी वैल्यू आ गई, टाइम, तो ये टाइम की वैल्यू आएगी। मेन चीज़ इसमें ये है कि प्लैंक की इक्वेशन अलग है, स्फेयर के सेंटर ऑफ मास की इक्वेशन अलग है, प्लैंक रिटार्ड कर रहे, सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट कर रहे, और रोटेशन के लिए टॉर्क का कॉन्सेप्ट यूज होगा। अभी प्योर रूलिंग नहीं आई, ये सारी चीज़ें कब है, जब प्योर रूलिंग नहीं आई अभी, जब प्योर रूलिंग आएगी तो फिर ये इक्वेशंस अपने आप ही प्योर रूलिंग की ये कंडीशन लग जाएगी और उसके बाद अपने आप ही आंसर आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। और अच्छा ठीक है, मैं बता देता हूँ, देखो नॉर्मली क्या होता है इसको समझने के लिए, ये कह रहा है कि मुझे ये नहीं समझ में आया वी पी माइनस वी सी आर ओमेगा क्यों होता है, ठीक है ना। इसको समझने के लिए हम एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिख के लाया हूँ, इसी के बेस पे है, इसके साथ मैच करके दिखाता हूँ, इसमें नोट लिखा हुआ है, ये देखना नोट, ठीक है, उसके बाद उसको डिस्कस करता हूँ। सपोज इसके अंदर, उस क्वेश्चन के अंदर वो कैसे करते हैं वी पी माइनस वी सी चलती हुई बॉडी में, क्योंकि ऐसा हमने कभी यूज़ नहीं किया कभी भी, इन दो क्वेश्चन में यूज़ होगा, स्पेशली इसमें तो बहुत यूज़ होगा। प्लैंक है, प्लैंक मूव कर रहे हैं विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 and 4, सिलेंडर है बीच में, सिलेंडर को प्लैंक मूव करवाएंगे और वो कुछ रोटेट भी करेगा क्योंकि एक की वेलोसिटी ज़्यादा, एक की कम है, स्लिपिंग नहीं है, फिसल नहीं रहे। तो आपको ये बताना है कि इस केस में काइनेटिक एनर्जी सिलेंडर की क्या हो जाएगी। अब जो टॉप मोस्ट पॉइंट है उसकी वेलोसिटी प्लैंक वाली हो जाएगी ए, और बॉटम मोस्ट पॉइंट की भी 4 हो जाएगी, और सेंटर ऑफ मास मूव करेगा पता नहीं क्या वेलोसिटी के साथ वी सी, ना 10 ना 4। बुक्स क्या करती हैं, शॉर्टकट लगाती हैं, जो सेंटर ऑफ मास है वो ये बोलती हैं इन दोनों का एवरेज है, मज़ा नहीं आता ये कैसे है, क्या एवरेज का कोई रूल होता है वेलोसिटीज में, नहीं समझ में आया। तो इसमें इसको करने के लिए मान लो इस केस में ऐसे करेंगे कि बी के अबाउट, बी को हम एक्सिस मान लेते हैं, ठीक, मान लो बी पॉइंट मान लेते हैं कोई भी, तो जो वी ए है, वी ए विद रिस्पेक्ट टू वी बी क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, ठीक। तो वी ए माइनस वी बी के बीच में डिस्टेंस कितना है, 2r, तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू 2r इंटू ओमेगा, रिलेटिव वेलोसिटी में ये मानते हुए कि बी पॉइंट एट रेस्ट है। उसी तरीके से वी सी और वी बी की कहानी, जो वी सी है, वी सी और वी बी, मतलब इसमें मैंने बी को रेस्ट पे माना है, ये मेरा एक्सिस मानते हुए कि रोटेशन होने वाला है, आईओ आर तो नहीं कहूँगा, आईओ आर तो खैर नीचे बनेगा इसका, बल्कि पॉइंट इसकी कोई भी एक पॉइंट को फिक्स मानते हुए, बी को पॉइंट को फिक्स मानते हुए इसकी वेलोसिटी इससे तो कम से कम ज़्यादा ही आएगी। तो जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा आती है उसको पॉइंट ही मानते, मतलब एक्सिस ही मान रहे हैं, उसको हम क्या कर रहे हैं, इसकी वेलोसिटी को मीन बी पॉइंट को रेस्ट पे मानते हुए वी सी माइनस वी बी, जैसे इसमें किया वी ए माइनस वी बी, इसमें वी सी माइनस वी बी इक्वल टू इस टाइम आर ओमेगा। दो इक्वेशन बनाई, इनको 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से जब मल्टीप्लाई किया तो सॉल्व किया तो वी सी इक्वल टू वी ए प्लस वी बी, ठीक। अब सपोज करो एक मिनट के लिए, एक क्वेश्चन है जिसमें प्योर रोलिंग है, प्योर रोलिंग में टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी क्या होती है, 2r ओमेगा, बॉटम की क्या होती है, 0, 2r ओमेगा प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 क्या होगा, r ओमेगा, राइट। तो ना एक रिजल्ट है, बुक्स इतना नहीं है तो मैंने खुद मतलब वैसे लिखा है नोट, बट वो इस तरीके से सीधा यूज करती हैं। क्या करते हैं हम ना एक पॉइंट को फिक्स मान लेते हैं, ये वाला,
देखो हमने क्या किया, हमने ना ये माना कि रोटेशन हो रही है, और किसके अबाउट हो रही है, मान लो इसके अबाउट हो रही है, तो इसको रेस्ट पे मानते हुए हमने कहा कि ये पार्टिकल रोटेट करेगा इसके अबाउट सर्कल में, इमेजिन करना है, इमेजिन करना है, इसको एक्सिस मानते हुए, ये रेस्ट पे मानते हुए सर्कल में घूमेगा, तो इस केस में क्या करेंगे, वी सी माइनस वी बी इज इक्वल टू आर ओमेगा, क्योंकि आर रेडियस में घूमेगा, इमेजिन करना है ये कि रोटेशन इसकी, ये टेंजेंश, अगर एक सर्कल ड्रॉ करेंगे इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी मानी जाएगी, तो वी सी इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा, और या हमने आई ओ आर किया था ना, उसमें क्या करते थे, ओमेगा इज इक्वल टू वी बाई आर, क्या करते थे, वी डिवाइडेड बाई आर, इसमें क्या होगा, वी डिवाइडेड बाई टू आर, ऐसे कर लो, और ओमेगा की वैल्यू दोनों में एग्जैक्टली सेम, ये वही चीज़ अग्री है, ओमेगा इज इक्वल टू वी बाई आर, ओमेगा इक्वल टू वी बाई आर, ठीक। तो इस तरीके से हमने इस इक्वेशन को निकाला, तो मतलब अब आज के बाद हमने ही, अगर मतलब हमें कोई बॉडी गिवन है रोल करती हुई जा रही है और हमें ऐसे वेलोसिटीज गिवन है, तो हम ना आपस में इनके रिलेशन भी निकाल सकते हैं, इसका मतलब एक पॉइंट को फिक्स मानते हुए, हम उसको मानेंगे कि फिक्स मानते हुए बॉडी उसके आसपास रोटेट कर रही है, जिसे ओमेगा इज इक्वल टू वी बाई आर आई ओ आर में करते थे, तो ये 7 मीटर पर सेकेंड आ गई। अब देखो फिर से देखो, ए और बी के बीच में रिजल्ट क्या था, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू 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 इंटू टू आर इंटू ओमेगा, या मैंने बताया ना ओमेगा को लिख लिया करो वी ए माइनस वी बी डिवाइडेड बाई टू आर, तो यहाँ से ओमेगा कैन बी कैलकुलेटेड। फिर मैंने नोट ये भी लिखा, अगर कोई ऐसे नहीं निकालना चाहता, ओमेगा निकालने के लिए वो ए और बी का पॉइंट नहीं लेना चाहता, वो सी और बी का पॉइंट लेना चाहता है, तो ओमेगा इज इक्वल टू वी सी माइनस वी बी बाई आर, तो भी आंसर एग्जैक्टली क्या आएगा, सेम आएगा। तो अगर वो नहीं लेना चाहता, नीचे वाला पॉइंट लेना चाहता है, मैंने करके दिखाया आंसर, तब भी 30 ही आएगा। तो इन रिजल्ट्स को मतलब हमने कभी यूज़ नहीं किया क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ी हमें, बट इस क्वेश्चन की तो नेसेसिटी है क्योंकि इसमें मुझे वी सी चाहिए था, तो मुझे सीखना ही पड़ेगा, ठीक। तो इन रिजल्ट को यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, और बस फिर हो गया आंसर। इसमें करना क्या है, सिलेंडर की एनर्जी निकालनी है, सिलेंडर की काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर इंटू वन प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर पुट कर दो, या अलग अलग कर दो, सेंट्रल मास की वेलोसिटी निकाल चुके हैं, ओमेगा निकाल चुके हैं, यहाँ से पुट करके 30 पुट के आंसर आ जाए, उसके बाद तो कुछ नहीं है, मेन तो इसमें वी सी और ओमेगा निकालने का ही क्वेश्चन था मेन, ठीक। दो डिस्क है, एक का रेडियस आर है और एक का रेडियस टू आर है, दोनों को प्रेस किया, घूम रही है अगेंस्ट ईच अदर, इनिशियली डिस्क विद रेडियस आर इज रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, डिस्क घूम रही है विद ओमेगा, एंड दूसरी डिस्क रेस्ट पे है, लेकिन बड़ी है, बोथ डिस्क आर हिंज्ड एट देयर रिस्पेक्टिव सेंटर्स एंड फ्री टू रोटेट अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट एक्सिस, फ्री टू रोटेट है, कोई दिक्कत नहीं है इनमें, और एक को ओमेगा के साथ घुमाया, दूसरे को रेस्ट पे छोड़ दिया, लेकिन टच कर रहा है, आई और टू आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है छोटी और बड़ी डिस्क का, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बिगर डिस्क, ओमेगा निकालो बड़ी डिस्क का आफ्टर लॉन्ग टाइम, जब इक्विलिब्रियम सा आ गया, जब शुरू में नहीं, शुरू में तो थोड़ा इनमें फ्रिक्शन होगा, नहीं ले ना ले, फ्रिक्शन नहीं होगा, आपको लगता नहीं मूव ही नहीं करेगा, फिर दूसरी वाली बॉडी स्लिप कर गई, फ्रिक्शन ही तो है जो हेल्प करेगा घूमने में, बिना फ्रिक्शन के तो वो बड़ी वाली बॉडी हिलेगी नहीं, पॉइंट समझ में आ रहा है, यहाँ तक स्लिप करती साथ ही निकल जाए, फ्रिक्शन लेनी पड़ेगी, चाहे बोले या ना बोले, तो फ्रिक्शन ही उन्हें हेल्प करेगा, तो इक्वल एंड अपोजिट फ्रिक्शनल फोर्सेज विल एक्ट ऑन बोथ डिस्क, मैंने लिखी दिया इसमें, टिल द टाइम रोटेशन स्टार्ट, ऑब्वियसली तब तक जब तक रोटेशन स्टार्ट होता है, एंड लीनियर स्पीड ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ डिस्क बिकम सेम, तो टेंजेंशियल स्पीड जो होगी, देखो एक तेज एक स्लो मूव करेगा तो गड़बड़ हो जाएगी, एक दूसरे पर चढ़ने की कोशिश करेंगी, तो लीनियर स्पीड भी दोनों की एग्जैक्टली सेम होगी, जैसे वो मूव कर रही होती है ना, तो सेम टेंजेंशियल वेलोसिटी सेम, तो इसमें ओमेगा वन वेलोसिटी एक्वायर हो जाएगी कुछ देर के बाद, ये ओमेगा नहीं रहेगा, ओमेगा वन हो जाएगा और ये ओमेगा टू हो जाएगा, ये ओमेगा टू जीरो से होगा, ये ओमेगा वन ओमेगा से होगा, इसकी इनिशियल ओमेगा फाइनल ओमेगा वन आफ्टर लॉन्ग टाइम, इसकी जीरो फाइनल ओमेगा टू आफ्टर लॉन्ग टाइम, ठीक। तो ये तो क्लियर हो गया, वी इक्वल टू आर ओमेगा से इनकी टेंजेंशियल वेलोसिटी तो सेम करनी करनी है, तो ओमेगा वन ओमेगा टू का रिलेशन तो आ ही जाना है इसमें। नेक्स्ट है छोटे डिस्क के अंदर टॉर्क जनरेट होगा, और एल्फा क्या होगा छोटे डिस्क का, एल्फा जो होगा इसमें क्या होगा, ओमेगा माइनस ओमेगा वन बाई टी, एल्फा इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी बाय टी, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस एल्फा टी से, तो यहाँ से एल्फा कैन बी कैलकुलेटेड, तो इतना एल्फा आ गया, ये क्वेश्चन नंबर 1 है,
और सेकेंड वाली के लिए टॉर्क क्या होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जनरेट कर रही है टॉर्क, एफ इंटू टू आर, एफ इंटू टू आर इज इक्वल टू टू आई, और सेकेंड वाली बॉडी में क्या हो रहा है, जीरो से वेलोसिटी क्या हो रही है, ओमेगा टू हो रही है डिवाइड बाई टी। एक स्टेप कर लेना इसमें, यहाँ पर मैंने क्या किया, दिस इज फाइनल वेलोसिटी, दिस इज इनिशियल, फाइनल इसमें छोटी होने वाली है, इनिशियल बड़ी है, जो घूम रही डिस्क है वो थोड़ी स्लो हो जाएगी और जो रेस्ट वाली है थोड़ी फास्ट हो जाएगी। तो मुझे क्या करना चाहिए था, माइनस लगाना चाहिए था, रिटार्डेशन है तो मुझे यहाँ भी क्या लगाना चाहिए, माइनस, रिटार्डिंग टॉर्क है, मतलब मैंने सीधा लिख दिया वो अलग बात है, बट द पॉइंट इज कि वो माइनस साइन के एडजस्टमेंट क्या शो करती है कि रिटार्डिंग टॉर्क है। ठीक, तो यहाँ से इन दोनों को मैंने डिवाइड कर लिया, डिवाइड करके मैंने ये रिलेशन निकाल लिया ओमेगा का, ओमेगा वन का, ओमेगा टू का, और ओमेगा वन हमें ऑलरेडी पता है टू इंटू ओमेगा टू, ओमेगा टू की वैल्यू आ जाएगी, तो इतनी वेलोसिटी एक्वायर हो जाएगी ओमेगा टू की। ठीक है यहाँ तक, क्वेश्चन पढ़ना। सेफ्टी प्रॉब्लम भी एक नई प्रॉब्लम है, ये भी बहुत आती है यार, घूमती बॉडी को ना घूमते घूमते नीचे गिरता है जब, तो क्या कॉन्सेप्ट लगता है। देखो इसमें रोटेटिंग सॉलिड बॉल ऑफ रेडियस आर हिट्स अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन विद अ वेलोसिटी वी एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट, गिवन दैट द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू, वेलोसिटी ऑफ बॉल आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टू वी बाई टू, इफ ओमेगा की वैल्यू गिवन है फाइंड इंटीजर एन, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। बॉल आई सेंटर ऑफ मास वी से हिट किया और वी बाई टू से चली गई और ओमेगा नॉट ओमेगा में कन्वर्ट हो गया, डायग्राम में बता रहा है आपको, इसमें ये बताना है कि अगर ओमेगा ओमेगा नॉट में ये रिलेशन है तो बताओ इसमें एन क्या होगा। सबसे पहली बात, जे का मतलब इम्पल्स होता है, इम्पल्स का मतलब चेंज इन मोमेंटम, तो वाई एक्सिस में दे द चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम कितना है इसमें, एम वी टू एम इंटू वी बाई टू सेंटर ऑफ मास पे, एम इंटू वी बाई टू इनिशियल कितना है इसमें, एम इंटू वी, इम्पल्स है, इम्पल्स है, चेंज इन मोमेंटम है, चेंज इन मोमेंटम है तो फोर्स है, कि फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जहां मोमेंटम चेंज होगा वहां फोर्स तो लगेगी, तो वाई एक्सिस में फोर्स तो लग रही है। अब इस केस में तो इम्पल्स जो होगा जे वो भी चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, इन वर्टिकल डायरेक्शन तो होगा। अब वो कह रहे हैं इम्पल्स म्यू जे हॉरिजॉन्टल में भी होगा, कैसे ये क्या है, ओके मैं बोल समझा, देखो इंपल्स का मतलब उसने ये म्यू टाइम से क्यों मल्टीप्लाई किया, जे वर्टिकल डायरेक्शन में डन है, जे क्या होता है,
चेंज इन मोमेंटम होता है, और अगर मैं 2 मिनट टाइम 1 सेकेंड लूँ, टाइम से डिवाइड करूँ, तो क्या आएगी फोर्स? आएगी फोर्स वर्टिकल आएगी, वो जो फोर्स हिट करेगी वो नॉर्मल रिएक्शन की तरह काम करेगी। और म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। वो ये बोलना चाहता है कि एक्स एक्सिस में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट करेगी, इम्पल्स की जगह इसको ऐसे बोलना चाहिए कि अगर वाई एक्सिस में नॉर्मल रिएक्शन है जे है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस में एक्ट करेगी? एक्स में एक्ट करेगी, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन गिवन है। तो कितने टाइम हो जाएगी? म्यू टाइम, देखो ना करके दिखाया, म्यू टाइम नॉर्मल रिएक्शन जे अपॉन टाइम, टाइम को 1 सेकेंड लेंगे तो ऑटोमेटिकली म्यू टाइम्स हो जाएगी टर्म। तो इसलिए उसने कहा कि इस केस में म्यू टाइम्स जे हो जाएगी। अब चेंज इन मोमेंटम वाई एक्सिस में वर्टिकल में जे है, तो फाइनल मोमेंटम ऊपर की तरफ पॉजिटिव है, नीचे का नेगेटिव है, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो एम वी माइनस है, माइनस एम वी वाला कॉन्सेप्ट है। तो ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर 1, जे आ गया। और रोटेशनल मोशन में जो टॉर्क जनरेट हो जाएगा, क्योंकि टॉर्क तो हुआ, टॉर्क तो हुआ है इसमें, क्यों हुआ टॉर्क? क्योंकि इसमें रोटेशन, वो स्पीड क्या हो गई? चेंज हुई है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा? म्यूट जो फोर्स है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस में आर हो जाएगा, जब वो ग्राउंड के कॉन्टैक्ट में आएगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसमें म्यू टाइम जी जे यूज कर लेंगे, दैट इज चेंज इन चेंज मोमेंटम, और मे बी पर सेकेंड ले रहा होगा, तो ये म्यू इंटू जी के साथ ही काम करेगा। टाइम ले भी लोगे तो एलिमिनेट हो ही जाएगा टी, और टी सारा कुछ इसमें, फिर ऊपर भी टी लेना पड़ेगा मेरे कहने का मतलब। तो म्यू जे इंटू आर टॉर्क हो गया इज इक्वल टू वाई टाइम्स, क्या होगा इसमें, सॉरी इसमें एम वी इंटू आर लगाया, सॉरी टॉर्क लेना है तो टाइम से डिवाइड कर दो, एक ही बात है मैं बता रहा हूँ, इसमें टॉर्क लेना है तो यहाँ टाइम करो तो यहाँ भी टाइम आ जाएगा, नहीं तो ऐसे कर लो, इसमें म्यू टाइम जे का मतलब अगर आपको चेंज मोमेंटम लेना है तो एम वी आर या एम वी लीनियर मोमेंटम इन टू आर इज एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम इनिशियल और फाइनल को इसने इक्वेट कर दिया। पर मेरे हिसाब से आप ऐसा कर सकते हो, टाइम से डिवाइड कर दोगे तो ऑटोमेटिकली टॉर्क बन जाएगा, ये भी क्या बन जाएगा, अगर चेंज इन मोमेंटम को हम टाइम से डिवाइड करेंगे तो फोर्स बन जाएगी, वो टाइम और टाइम आप ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, एक ही बात है। मतलब टॉर्क जो होता है वो डी एल बाई डी टी होता है बेसिकली, या तो आप एल से काम कर लो या फिर आप टॉर्क से काम कर लो, तो जो आपको ठीक लगता है इसमें, अगर आप इसमें टॉर्क से काम करना चाहते हो तो म्यू इन टू जे चेंज इन मोमेंटम है, और डिवाइड बाई टाइम करोगे तो फोर्स आ जाएगी, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस टॉर्क आ जाएगा, और यहाँ पर आई इंटू एल्फा, एल्फा के लिए ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा बाई टी आ जाएगा एक्स्ट्रा, टी से टी कैंसिल हो गया, तो अल्टीमेटली यही टर्म आ जाएगी। और जे की वैल्यू ऊपर से ये रही, जे की वैल्यू यहाँ से निकाल के यहाँ पुट करोगे तो ये ओमेगा ओमेगा नॉट में रिलेशन आएगा, इसको कंपेयर करोगे तो इंटीजर टाइप से एन की वैल्यू 4 आ जाएगी। ठीक, एक बार क्वेश्चन पढ़ लो यार।
जब भी एक स्प्रिंग या दो स्प्रिंग मैंने शायद कराया था SHM की शीट में, एक स्फेयर के साथ बताया था आगे पीछे मूव करता है तो एनर्जी कैसे लगानी होती है, तो इसके अंदर क्या गिवन है कि एक सिलेंडर गिवन है, मास एम है, रेडियस आर है, दो स्प्रिंग्स के साथ कनेक्टेड है, डिस्टेंस दोनों स्प्रिंग्स के बीच में 2D है, एंड द एक्सेल इज मासलेस एंड अनस्ट्रेच, द लेंथ ऑफ ईच स्प्रिंग इज इक्वल टू एल, अनस्ट्रेच लेंथ है, एंड डिस्टेंस एल फ्रॉम द वॉल, एंड इस केस में गिवन है द डिस्क रोल्स विदाउट स्लिपिंग विद वेलोसिटी वी नॉट आई कैप, एंड आपको म्यू गिवन है और आपको नेट फोर्स निकालनी है एक्सटर्नल जब डिस्प्लेसमेंट एक्स हो गई है फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन। अगर आप एक सिलेंडर का डायग्राम बनाएं तो सिलेंडर अगर आगे आ रहा है, ये वाला पॉइंट नीचे वाला पीछे जाएगा तो फ्रिक्शन आगे लगेगी, सिलेंडर आगे आ रहा है फ्रिक्शन आगे लगेगी, दो दो स्प्रिंग पीछे लगे हुए हैं, दो स्प्रिंग की नेट फोर्स क्या होगी 2kx, जो रिस्टोरिंग उसे पीछे खींचेगी। नहीं, हमने वेक्टर ड्रॉ कर दिया ना, बैकवर्ड वेक्टर का मतलब 2kx, क्योंकि मैं वो ले रहा हूँ ना बड़ी में से छोटी फोर्स वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, यहाँ तक। तो ये आगे की तरफ आ रहा है तो इसके अंदर एफ माइनस 2kx, माइनस यहाँ पे आ गया, इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये इक्वेशन किसके लगी, सेंटर ऑफ मास के लिए एक इक्वेशन। अब क्योंकि रोटेशन भी हो रहा है, अब रोटेशन में भागता तो जाएगा नहीं, स्प्रिंग तो उसको ऑब्वियसली रिटार्ड ही करेगा और फ्रिक्शन भी उसे कहीं ना कहीं आगे मूव करने से रोक रही है, तो इस केस में रिटार्डेशन होगी। माइनस एफ इन टू आर इक्वल टू आई अल्फा, सिलेंडर का हमें पता है आए, तो यहाँ से पुट करके ए आ गया, ए निकाल के रख लिया हमने, स्मॉल ए आ गया। इस स्मॉल ए की हेल्प से जो नेट एक्सटर्नल फोर्स होगी वो क्या होगी, नेट का मतलब न्यूटन का लॉ कहता है कि नेट फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन हमने सारी फोर्सेस से निकाल ही ली है तो मास से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गई हमारे पास, नेट फोर्स आ गई, तो नेट फोर्स की ये वैल्यू आ गई, एक आंसर आ गया, ए को नीचे पुट कर दिया हमने। तो फर्स्ट इक्वेशन में यूज़ नहीं हुई लेकिन अभी हम यूज़ करने वाले हैं उसे दो मिनट में, कि कई पार्ट्स हैं, पैराग्राफ था बेसिकली IIT का। अगला पार्ट ये था, इफ़ इन द अबव प्रॉब्लम सिस्टम इज इन SHM तो ओमेगा निकालो, नेट फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन तो हमने निकाल ही ली एक्स की फॉर्म में, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स ओमेगा, ठीक। तो नेट फोर्स आ गई, ये वैल्यू आ गई, फाइंड मैक्सिमम वेलोसिटी वी नॉट फॉर विच द डिस्क विल रोल विदाउट स्लिपिंग, तो मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी है। तो अब देखो मैक्सिमम वेलोसिटी निकालने के लिए एक काम करना पड़ेगा इसमें, कि मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए मैक्सिमम वेलोसिटी होगी कब, पहले एक बात को समझते हैं, मैक्सिमम वेलोसिटी कब होगी, जब आपकी जो बॉडी है वो एक्सट्रीम से मीन की तरफ आएगी, है ना, वापस एक्सट्रीम मीन एक्सट्रीम, तो इस तरीके से हम लेते हैं। तो इस केस में हमें काम करते हैं, हम मैक्सिमम एक्सपेंशन निकालते हैं एक मिनट के लिए। मैक्सिमम एक्सपेंशन के लिए हमने क्या किया, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, और जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है इज इक्वल टू वो किसके होगा क्या, जब वो मान लो एक्स नॉट मैक्सिमम एक्सपेंशन पे आ जाएगी तो उस केस में क्या होगा, या ऐसे बोलते हैं मैक्सिमम एक्सपेंशन में तो वेलोसिटी खैर जीरो हो जाएगी, ऐसे ही नहीं बोलना चाहिए, कि जब उसकी एक्सपेंशन एक्स हो जाएगी किसी इंस्टेंट पे, तो जब एक्स एक्सपेंशन होगी तो स्प्रिंग में एनर्जी स्टोर हो जाएगी हाफ के एक्स स्क्वायर, मुझे एक्स नॉट नहीं लिखना चाहिए था मुझे लगता है, मैं दो मिनट चेक कर लेता हूँ, हाफ के एक्स स्क्वायर तो ट्वाइस एनर्जी हो जाएगी दो स्प्रिंग्स की, और दो स्प्रिंग्स की जो एनर्जी होगी वो बेसिकली किस में कन्वर्ट हो जाएगी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, या ऐसा कर लेते हैं, मैं समझ गया, स्प्रिंग मान लो एक्सट्रीम पे आ गया, एक्सट्रीम पे मैक्सिमम एक्सपेंशन एक्स नॉट, याद आ गया मैंने इसको कैसे किया, एक्स नॉट है तो स्प्रिंग में मैक्सिमम एनर्जी है, बस स्प्रिंग में ही एनर्जी है, पकड़ के रख दिया, कितनी एनर्जी है इतनी एनर्जी है, छोड़ दिया क्योंकि मुझे मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी है ना, तो मैक्सिमम मैंने बोला ना एक्सट्रीम से मीन पे लाना पड़ेगा, तो एक्सट्रीम से छोड़ गए एकदम मीन पे लेके आए, तो मीन पे ये एनर्जीज आ गई, तो वी नॉट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी, याद आया, पॉइंट समझ में आ गया कैसे किया, तो मैक्सिमम वेलोसिटी और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आ गई। अब हमने एक्सेलरेशन पिछले पार्ट में प्रूव कर दी हुई है इसके इक्वल है, और एक्सेलरेशन की ये वैल्यू एक्स की फॉर्म में आई थी,
अगर मैं एक्स नॉट पुट कर दूंगा तो यानी कि मैं एक्सट्रीम पोजीशन पे चला गया, और एक्सट्रीम पोजीशन पर एक्सेलेरेशन अपने आप मेरे पास क्या आ जाएगी, मैक्सिमम आएगी ऑब्वियसली। तो मैंने एक्स नॉट को उस वैल्यू में पुट किया जो हमने एक्सेलेरेशन निकाली थी, तो मेरे पास ये क्या आ गई, ये एक्सेलेरेशन आ गई। ठीक, तो ये मेरे पास एक्सेलेरेशन आ गई। और एक और रिजल्ट हमने अभी किया था वो टॉर्क वाला, एफ इन टू आर इज इक्वल टू आई इन टू अल्फा, और इसके अंदर मैंने क्या किया, एफ इन टू आर इज इक्वल टू आई अल्फा, इसके अंदर अल्फा इज ए बाय आर, अल्फा इज इक्वल टू ए बाय आर। तो इस ए को उठा के जब मैंने यहां पुट किया तो मेरे पास फ्रिक्शन की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वी नॉट आ जाती है। तो कहने का मतलब कॉन्सेप्ट यूज क्या कर रहा हूं मैं बता देता हूं। देखो उसने क्या पूछ लिया मुझसे, उसने मुझसे पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी। वैसे तो मेरा आंसर यहां पर डन था, ऊपर डन था ना, एफ नॉट वी नॉट तो मैंने निकाल लिया था। प्रॉब्लम पता है क्या है, प्रॉब्लम यह है कि मेरे को एक्स नॉट मैंने खुद एज्यूम किया हुआ था। अगर मुझे एक्स नॉट देता ना, क्वेश्चन खत्म हो जाता, यहीं पे खत्म था क्वेश्चन, वी नॉट का खत्म। प्रॉब्लम यह है कि मेरा ऑप्शन मुझे फ्रिक्शन की फॉर्म में गिवन है, तो ऑब्वियसली अब मुझे एक्स नॉट को इलिमिनेट तो करना पड़ेगा किसी भी हालत में। और एक्स नॉट को इलिमिनेट करने से पहले मुझे एक और चीज करनी पड़ेगी, वो क्या, कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो एफ की वैल्यू है, जो एफ की वैल्यू होती है वो क्या होती है, म्यू टाइम एम, ठीक है, या मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, म्यू टाइम्स एम जी, या उससे कम भी हो सकती है प्रोवाइडेड वो स्टैटिक फ्रिक्शन का केस बन जाता है। तो ये जो फ्रिक्शन की जो वैल्यू है, एफ की वैल्यू है हमारे पास, वो इसके इक्वल है या इससे कम होनी चाहिए, इससे ऊपर तो हो भी नहीं सकती वैसे भी, ठीक। तो मतलब ये मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन वाला केस हमने लिया हुआ है, म्यू टाइम एम जी से कम ही होगी अगर ये कम होगी। तो अब मुझे एफ चाहिए होगा, और एफ चाहिए इन टर्म्स ऑफ वी नॉट, ताकि मैं वी नॉट और म्यू का रिलेशन निकाल सकूं, क्योंकि मेरा ऑप्शन वी नॉट और म्यू की फॉर्म में था। तो ये इक्वेशन मैंने यूज की, पर मेरे पास एफ नहीं पता मुझे, तो एफ की वैल्यू मुझे वी नॉट की फॉर्म में निकालनी है। तो एफ और वी नॉट का रिजल्ट निकालने के लिए मुझे एफ और एक्सेलरेशन का रिजल्ट पता है, और एक्सेलरेशन और वी नॉट का रिजल्ट पता है। तो यहां से उठा के ए से उठा के एफ, एफ से उठा के ऑप्शन मैच किया गया। ये पार्ट टफ है, पहले दो वाले पार्ट आसान है, ये वाला पार्ट थोड़ा सा दो लिंक बना के हुआ, नहीं तो मुश्किल था। प्रॉब्लम एक और भी है, यहां तक छोड़ देता ना एक्स नॉट दे के, कोई दिक्कत नहीं थी अपने को, फिर बात बन जाती, इजी हो जाता। उसने ऑप्शन फ्रिक्शन की फॉर्म में दी, और वो भी इनइक्वालिटी में दी, तो यहां पर चक्कर है। तो जब भी इनइक्वालिटी की फॉर्म में ऑप्शन आएगा इस तरीके से, तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होगी, तो वहां से इस टाइप के क्वेश्चन को आप इसको बनाएंगे। तो ये क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल लगा मुझे, सच बताऊं मैं, बाकी दो पार्ट तो फिर भी आसान थे, और पार्शियल चेकिंग है तो और भी अच्छा है। दो पार्ट्स के मतलब मत करो उन टाइप के क्वेश्चंस को, ऑब्वियसली सारे तो करने नहीं है, बट मत करो उन टाइप के क्वेश्चन को जहां पर इस टाइप की प्रॉब्लम्स हैं। बाकी नॉर्मल क्वेश्चन में निकाले जाएं तो नॉर्मल क्वेश्चन भी बहुत हैं इसमें, ऐसी बात नहीं है। अब जैसे ये क्वेश्चन आया हुआ है, कह रहा है कि एक ना प्लेटफॉर्म है, वो ना हॉरिजॉन्टल घूम रहा है, एक्सिस में हॉरिजॉन्टल घूमे जा रहा है, और इंसेक्ट है एक, और ये ब्लैक कलर का इंसेक्ट है, वो वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो ये इंसेक्ट ओ पे था, और कॉन्स्टेंट स्पीड से चलता जा रहा है। इट रीचेज दी रॉड, ये रॉड है, चलो प्लेटफॉर्म नहीं है। एट टाइम टी इज इक्वल टू कैपिटल टी एंड स्टॉप्स, द एंगुलर स्पीड ऑफ द सिस्टम रिमेन्स ओमेगा थ्रू आउट, ओमेगा कॉन्स्टेंट है, द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क ऑन द सिस्टम अबाउट ओ एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, आपको प्लॉट करके दिखाना है कि टॉर्क कैसे इसमें प्लॉट करके दिखेगा। तो सबसे पहले मुझे ये पता है जो टॉर्क होता है क्या है, डी एल बाई डी ओमेगा होता है, क्योंकि इसमें डी एल बाई डी टी होता है, सॉरी इसमें रोटेशन हो रहा है। अब L क्या होता है, L इज इक्वल टू आई ओमेगा होता है, ये भी मुझे पता है कि रोटेशन हो रही है। अब यहां से I इंटू डी ओमेगा बाई डी टी, या ओमेगा इंटू डी आई बाई डी टी, या सीधा एक ही स्टेप कर लो यार, ओमेगा इज अ कॉन्स्टेंट गिवन ही है इसमें, ओमेगा बाहर आ गया डी आई बाई डी टी। आई की वैल्यू क्यों चेंज हो रही है, क्योंकि वो इंसेक्ट एक्सिस से दूर जा रहा है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंसेक्ट का क्या होगा, मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, और स्मॉल टी टाइम में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, वी टी, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू वी टी का स्क्वायर। तो ये मेरे पास टॉर्क की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ टाइम आ गई। ठीक, अब मुझे ये पता है कि जो टॉर्क है वो टाइम के ऊपर डिपेंड करता है, कब तक, जब तक कैपिटल टी टाइम नहीं आया, क्योंकि कैपिटल टी के बाद वो रुक ही गया, और जब कैपिटल टी के बाद सब कुछ रुक ही गया तो बात ही खत्म होगी, टॉर्क जीरो हो गया। तो एंड में तो टॉर्क को तो जीरो
होना ही होना है, कैपिटल टी के बाद तो टॉर्क बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता था, तो ना ये ऑप्शन या ना ये ऑप्शन, ऑप्शन तो इनमें से ही बनती थी। उससे पहले पहले क्या था, लीनियरली डिपेंडेंट है तो स्ट्रेट लाइन बनेगी, ऑप्शन है इसका। नहीं वो रुक गए, दोनों रुक गए, एट टाइम स्मॉल टी इज इक्वल टू जीरो, एट टाइम स्मॉल टी इज इट रीच इज द रॉड कैपिटल टी एंड स्टॉप्स, द एंगुलर स्पीड ऑफ द, मैं फिर से पढ़ता हूँ, एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो द स्मॉल इंसेक्ट स्टार्ट फ्रॉम ओ एंड मूव विद अ कॉन्स्टेंट स्पीड वी विद रिस्पेक्ट टू द रॉड टूवर्ड द अदर एंड, इट रीच इज द रॉड एट स्मॉल टी इज इक्वल टू कैपिटल टी एंड स्टॉप्स। नहीं यार ये दोनों सिस्टम रुकेंगे तब आएगा, जब पूरा, जब पूरे का पूरा सिस्टम ही रुक जाएगा तब ये ग्राफ बनेगा, ये इंसेक्ट रुका। हाँ राइट, देखो मेरे जो मैंने क्वेश्चन पढ़ा था उसमें शायद दोनों रुके थे, मैं तभी द्वारा क्वेश्चन पढ़ा था, मैं लिखा नहीं इसमें, मुझे ऐसा लगता है, पर हाँ अगर अगर सिर्फ इंसेक्ट रुका है फिर ये ऑप्शन मार्क करना पड़ेगा, ये आएगा, क्योंकि अगर इंसेक्ट रुका है रॉड घूम रही है तो टॉर्क तो तब भी रहेगा सिस्टम का, पॉइंट समझ में आ रहा है, तो इस केस में यार ए ही मार्क करना, समझ में आ गया ना क्यों, तो करेक्शन कर लेना, या फिर ऐसे कर लो, ऐसे लिख लो इसमें ये करेक्शन कर लो कि फाइनली एट टाइम कैपिटल टी बोथ बॉडी स्टॉप्स, फिर बात अलग है। हाँ वो ज़्यादा बेटर रहेगा बोथ बॉडी स्टॉप के साथ, राइट, क्योंकि अगर रॉड घूम रही है और इंसेक्ट सिर्फ आई चेंज कर रहा है दैट सेट, ठीक है ना, राइट, तो इसमें प्लीज दो दो केस बन सकते हैं, अगर रॉड घूम रही है इंसेक्ट रुक गया तो इसके बाद ये लाइन ऐसे आ जाएगी ए ग्राफ, और अगर दोनों रुक गए फिर तो गेम ही क्लोज हो गई, फिर तो ये केस हो गया, वैसे दोनों रुकने का केस था मेरे हिसाब से, ठीक। और ये क्वेश्चन देखना प्लीज, तो एक फिगर है और कंसिस्टिंग ऑफ अ रिंग ऑफ आउटर रेडियस 3R रोलिंग क्लॉकवाइज, तो ये 3R आउटर जो सबसे बाहर की ग्रे कलर की ये दिख रही है आपको, ये रिंग है, ये क्लॉकवाइज घूम रही है, ठीक। इसके बाद ओमेगा के साथ घूम रही है क्लॉकवाइज एंड इन अ डिस्क ऑफ रेडियस 2R, ये वाइट कलर की डिस्क है, वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है विद ओमेगा बाय 2, एक ऐसे और एक ऐसे उल्टा, बीच में बेयरिंग है, वो गोलियां डलती हैं जो ताकि आगे पीछे घूम सकें, इसका कोई रोल होगा नहीं। अब वो कह रहा है कि एक्स जेड प्लेन है, दिख रहा है मुझे पॉइंट पी डिस्क के ऊपर कोई पॉइंट एट द डिस्टेंस ऑफ कैपिटल आर 30 डिग्री पे, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ओनिक, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी निकालनी है इसमें मेरे को लगता है, नहीं आगे कुछ के बना है क्वेश्चन लिखा मैंने, हॉरिजॉन्टल सरफेस, हाँ लिखना फाइंड वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी, फाइंड वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी, मेरे ख्याल से ये तो समझ में आ रहा है कि जो ओ पॉइंट है वो सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास जो है उसकी वेलोसिटी क्या होगी, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो ओमेगा किसका लें, इसका लें आउटर का या इनर का लें, जो सेंटर ऑफ मास है वो कैसे कंसिडर किया जाएगा, बाहर वाला ही कॉन्टैक्ट में तो बाहर वाला ही है ना, टायर है मान लो,
टायर के अंदर क्या चीज घूम रही है उससे क्या फर्क पड़ रहा है। अगर टायर ही चल पड़ा तो सेंटर ऑफ मास के साथ चलेगा ना, ठीक। तो बाहर वाले का रेडियस क्या है, 3r, तो ओमेगा इंटू 3r आई कैप। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी तो आउटर के हिसाब से निकल गई। पोजिशन वैक्टर ऑफ पॉइंट पी अगर निकाला जाए तो पोजिशन वैक्टर ऑफ पॉइंट पी के अंदर ये रेडियस कैपिटल आर है, ट्राइंगल ड्रॉ कर लेना एक राइट एंगल ट्राइंगल, तो ये रेडियस एरो वाला कैपिटल आर है, एरो कैपिटल आर है, तो एक बनेगा आर कॉस 30, एक बनेगा आर साइन 30, तो आर कॉस 30 आई कैप, आर साइन 30 जे कैप नहीं के कैप, क्योंकि वो जेड एक्सिस है, एक्सिस उसमें वाई नहीं लिया जेड लिया, आर वेक्टर आ गया, सॉल्व करके आर वेक्टर आ गया। अब एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है पॉइंट पी की, ओमेगा, ओमेगा वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, अब पी पॉइंट डिस्क का पॉइंट है, अब डिस्क के हिसाब से आंसर देना है क्योंकि पी डिस्क के हिसाब से काम कर रहा है, तो सिर्फ रोटेशन की बात करनी है, तो एंगुलर वेलोसिटी की बात हो रही है, मैग्नीट्यूड तो ओमेगा बाय टू है, सही है, ओमेगा बाय टू है, तो इसका निकालने का तरीका क्या होता है एंगुलर वेलोसिटी का, मतलब क्या क्या यूज करूंगा इसका फॉर्मूला, एंगुलर वेलोसिटी का वेक्टर कैसे बनेगा, दो तरीके हैं मेरे हिसाब से, तो एक फॉर्मूला यूज करना v इज इक्वल टू, v वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r, v वेक्टर इज ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर, ये v इज इक्वल टू r ओमेगा की वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ये होती है एक। दूसरा मैं तो अपने हाथ से निकाल दिया, रोटेशनल मोशन में टॉर्क का भी सेम ही रूल है, एंगुलर मोमेंटम का भी सेम रूल है, अगर व्हील ऐसे घूम रहा है तो वो थंब शो करता है, तो ओमेगा का भी, एल इज इक्वल टू आई ओमेगा ना, तो एल इज इक्वल टू आई ओमेगा, जो एल की डायरेक्शन होगी वही ओमेगा की, और एल निकालना कितना आसान है, ये डिस्क कैसे घूम रही है ऐसे, थंब कहाँ आएगा बाहर, तो ओमेगा बाहर की तरफ है, और इसमें ना अंदर का एक्सेस जे कैप है, बाहर का माइनस जे कैप है, देना चाहिए था इसने दिया नहीं, पर सॉल्यूशन के अंदर इसने ऐसे ही लिया है, तो राइट, तो अंदर का एक्सेस इसमें जे कैप है, बाहर का माइनस जे कैप है, तो इसलिए यहाँ पर माइनस जे कैप लगाया है, लिख लेना नोट चाहे इसमें, हेयर वाई एक्सिस पॉजिटिव वाई एक्सिस इज इन द प्लेन ऑफ पेपर, हेयर पॉजिटिव वाई एक्सिस इज इन साइड द प्लेन ऑफ पेपर, देना चाहिए था उसको वाई के बारे में कुछ, अंदर है तो इसलिए ये बाहर की तरफ आएगा, राइट। अब पी पार्टिकल दो मोशंस में है, एक तो रिंग चाहती है कि वो आगे जाए, सेंटर ऑफ मास ट्रांसलेशन मोशन, और डिस्क की वजह से रोटेशन मोशन, ट्रांसलेशन तो मुझे पता है, रोटेशनल में ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर, कर लेना सॉल्व आंसर।